हेलो फ्रेंड्स, आप सबका जीबीएस पे स्वागत है। दोस्तों, आज अगर आपको दिल्ली से बेंगलुरु जाना हो तो आपको फ्लाइट की सस्ती से सस्ती टिकट पड़ेगी करीबन 4000 से 5000 के आसपास। पर क्या आप जानते हैं, आज से कई साल पहले 2001-2002 में दिल्ली से बेंगलुरु की सबसे सस्ती से सस्ती टिकट भी 12000 से ज्यादा की थी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उस टाइम पे इंडिया में ट्रेडिशनल फुल बजट एयरलाइंस ही चलती थी, जिसकी फ्लाइट टिकट्स बहुत महंगी हुआ करती थी। पर दोस्तों, 2003 में भारत की पहली लो बजट और लो कॉस्ट एयरलाइन शुरू हुई, जिसका नाम था एयर डेक्कन, जिसकी टिकट एकदम सस्ती थी। एयर डेक्कन के बाद ही भारत में और कई सारी लो कॉस्ट एयरलाइन की शुरुआत हुई थी, जैसे कि इंडिगो, गो एयर, स्पाइसजेट वगैरह। तो चलिए दोस्तों, बिना समय व्यर्थ किए एयर डेक्कन की कहानी को शुरू से जानते हैं। दोस्तों, एयर डेक्कन की नींव रखने वाला शख्स है जीआर गोपीनाथ। गोपीनाथ का जन्म 13 नवंबर 1951 को गुरूर कर्नाटक में हुआ था। वो कुल 8 भाई बहन थे। गोपीनाथ की प्रारंभिक पढ़ाई वहां की एक लोकल स्कूल में हुई, जिसके बाद उनका एडमिशन सैनिक स्कूल में हुआ। सैनिक स्कूल में पढ़ाई करने के साथ साथ गोपीनाथ एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी की एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारी करने लगे और आगे चलकर उन्होंने ये एग्जाम क्रैक कर एनडीए में एडमिशन लिया। एनडीए में 3 साल बिताने के बाद वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी से जुड़े, जिसके बाद गोपीनाथ बतौर कैप्टन आर्मी में कमीशन हुए। गोपीनाथ ने आर्मी में 8 साल बिताए। वो 1971 के बांग्लादेश लाइब्रेशन वॉर में भी शामिल थे। 8 साल आर्मी में जॉब करने के बाद उन्होंने 28 साल की उम्र में कुछ कारणों के चलते आर्मी से रिटायरमेंट ले लिया। रिटायरमेंट लेने के बाद उन्होंने एक इकोलॉजिकल सस्टेनेबल फार्म की शुरुआत की। उन्होंने इस फार्म में कई सारे इन्वेंशन किए, जिसके लिए उन्हें सन 1986 में रोलेक्स लॉरिएट अवार्ड से भी नवाजा गया। फार्म के अलावा उन्होंने एनफील्ड की डीलरशिप ली थी और साथ में कर्नाटका के हसन डिस्ट्रिक्ट में एक होटल की भी शुरुआत की थी। दोस्तों, उस वक्त यानी कि 1995 के आसपास गवर्नमेंट एयरलाइन सेक्टर को जोर दे रही थी, कुछ रियायतें दी जा रही थी ताकि इंडिया में एयरलाइन सेक्टर आगे बढ़े। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कैप्टन गोपीनाथ ने उनके एक करीबी फ्रेंड कैप्टन केजे सेम्यूल के साथ मिलकर सन 1997 में कॉमर्शियल हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की, जिसका नाम रखा डेक्कन एविएशन। डेक्कन एविएशन का पहला हेडक्वार्टर बना बेंगलुरु। डेक्कन एविएशन की शुरुआत सिर्फ एक ही हेलीकॉप्टर से हुई थी, पर धीरे धीरे कहीं और हेलीकॉप्टर्स भी खरीद दिए, जिसकी मदद से डेक्कन एविएशन सर्विस अहमदाबाद, कोचीन, दिल्ली, इंदौर, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, भुवनेश्वर और जमशेदपुर जैसे कई शहरों में शुरू हुई। कई साल ये डेक्कन एविएशन सर्विस ऐसे ही चली और कई और शहरों को भी डेक्कन एविएशन सर्विस के साथ जोड़ा गया। दोस्तों, साल 2002-2003 की बात करें तो भारत में जेट एयरवेज, एयर सहारा, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस कुल 4 फुल सर्विस महंगी एयरलाइंस एक्टिव थी। इनकी टिकट भी बहुत महंगी हुआ करती थी, जिससे कोई आम आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता था। आम आदमी के लिए उन दिनों हवाई यात्रा करना बहुत बड़ी बात होती थी। गोपीनाथ ने यह चीज महसूस की। उन्होंने खुली आंखों से एक सपना देखा, सपना एक लो कॉस्ट एयरलाइन भारत में शुरू करने का, जिसकी टिकट इतनी सस्ती हो कि कोई भी आम आदमी उसमें सफर कर पाए। जिसके चलते गोपीनाथ ने साल 2003 में भारत की पहली लो कॉस्ट एयरलाइन एयर डेक्कन की शुरुआत की। इसकी टिकट सस्ती इसलिए थी क्योंकि इसमें बिन जरूरी खर्चों को हटा दिया गया था, जैसे कि प्लेन में फ्री फूड सर्विस को हटा दिया गया था। जिसको फूड खरीदना हो वो अलग से पैसे देके खरीद सकता था। इसके अलावा इकोनॉमी और बिजनेस जैसे 2 डिवीजन की बजाय सिर्फ 1 इकोनॉमी डिवीजन ही होता था, जिससे ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर मुसाफरी कर सके। इसके अलावा भी और कई सारे मेजर्स लिए गए थे, जिससे एयरलाइन का खर्चा एकदम कम रहे। दोस्तों, कम टिकट होने की वजह से कई लोग हवाई यात्रा करने लगे। देखते ही देखते एयर डेक्कन भारत की जानी मानी एयरलाइन सर्विस बन गई। जैसे जैसे सफलता मिली वैसे वैसे एयर डेक्कन का एक्सपेंशन हुआ और अगले 3 सालों में ही एयर डेक्कन को भारत के कई शहरों से जोड़ दिया गया। यहाँ तक एयर डेक्कन के लिए सब कुछ सही था, पर आगे कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। दोस्तों, एयर डेक्कन की सफलता को देखकर भारत में और कई सारी लो बजट एयरलाइन शुरू हुई, जिसमें से एक थी इंडिगो। देखते ही देखते एयरलाइन सेक्टर में कंपटीशन बहुत बढ़ गया और इसकी वजह से 2007 आते आते एयर डेक्कन का मार्केट शेयर भी कम हो गया। पर एयर डेक्कन ने मात्र 4 साल में बहुत सारे प्लेन्स खरीदे थे, बहुत सारा स्टाफ हायर किया था जिनका खर्चा बहुत था, पर दूसरी ओर मार्केट शेयर एकदम से गिर गया था। एयर डेक्कन का खर्चा बढ़ गया और इनकम कम हो गई। एयर डेक्कन घाटे में चलने लगी। ऐसा एयर डेक्कन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। गोपीनाथ तो चाहते थे कि एयर डेक्कन कार्यरत रहे। उनका मानना था कि कुछ समय में वापस एयर डेक्कन प्रॉफिटेबल एयरलाइन बन जाएगी, पर एयर डेक्कन के इन्वेस्टर गोपीनाथ को फोर्स कर रहे थे कि हमें ये एयरलाइन अभी ही बेच देनी चाहिए। गोपीनाथ ने इसका विरोध किया, पर उनकी नहीं चली और ना चाहते हुए भी उन्हें ये एयरलाइन 2007 में किंगफिशर एयरलाइन लिमिटेड को बेचनी पड़ी। एयरलाइन का बिजनेस तो बंद हो चुका था, पर उनका पुराना बिजनेस डेक्कन एविएशन के अंडर में उन्होंने डेक्कन चार्टर की गुजरात में शुरुआत की,
जिसके अंतर्गत 9 सीटर एयरक्राफ्ट अहमदाबाद, सूरत, जामनगर, भावनगर और कंडला जैसे शहरों के बीच उड़ान भरता था। ये बिजनेस भी ज्यादा नहीं चल पाया और साल 2011 में डेक्कन चार्टर बंद हो गया। गोपीनाथ संपूर्ण तरीके से एयरलाइन बिजनेस से बाहर हो चुके थे। वो करीबन 10 साल इस बिजनेस से बाहर रहे, पर साल 2017 में भारत सरकार ने उड़ान उड़े भारत का आम नागरिक स्कीम की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत भारत सरकार ये चाहती थी कि भारत के छोटे छोटे शहरों में भी हवाई यात्रा शुरू हो। वो शहर जहाँ पे अच्छे एयरपोर्ट नहीं है, लंबा रनवे नहीं है, वहाँ पे इस स्कीम को लागू किया गया। उड़ान के अंतर्गत कुल 128 रूट्स थे। जो भी प्राइवेट एयरलाइन इन रूट्स पे अपने प्लेन चलाने को तैयार हो, उनको सरकार कुछ खास रियायतें दे रही थी। गोपीनाथ ने इंटरेस्ट दिखाया और एयर डेक्कन की शुरुआत की। गोपीनाथ ने कई सारे रूट्स के लिए बिड लगाई और 34 रूट के लिए कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। आज की तारीख में एयर डेक्कन कार्यरत है और एक सस्टेनेबल ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रही है। तो दोस्तों, यह थी गोपीनाथ की अमेजिंग लाइफ स्टोरी। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी नई नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।